जहां एक तरफ पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत पर नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं उन्हें बयान देना भारी पड़ गया है, वहीं सोनी टीवी ने उन्हें तकबिल शर्मा शो से बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चैनल ने अपनी साख के बारे में बहुत पर्टिकुलरिटी बरतते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर कर दिया है। वहीं बड़ी खबर एक और आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान की तरफदारी करना, उसकी तारीफ करना बड़ा महंगा पड़ा है, वहीं अब नई खबर ये आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 15 फरवरी 2019 को एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी थी कि उन्होंने शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है जो वहां मौजूद होंगे। खबरों के मुताबिक मोगा में शहीद जयमल सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा स्थानीय विधायक और प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू बहुत बड़ी गलती कर गए। सिद्धू अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, इसका उलट वो लुधियाना में नगर निगम के एक कार्यक्रम में पहुंच गए। लुधियाना कार्यक्रम के बाद सिद्धू मोगा पहुंचे जहां उस शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा था। और आपको बता दें कि सिद्धू लगभग 3 घंटे बाद शहीद के, जी हाँ 3 घंटे के बाद शहीद के अंतिम संस्कार के नवजोत सिंह सिद्धू उस स्थान पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स में यही खबरें सामने आ रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू शहीद के अंतिम संस्कार के 3 घंटे के बाद उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के परिवार उनके भाई से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शहीद के भाई ने कहा कि सिद्धू सिर्फ एक, और इस मुलाकात के बाद शहीद का भाई सिद्धू से नाराज हो गया और उसने उन्हें साफ कहा कि आप फॉर्मेलिटी करने आए हैं, उन्हें शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए था और वक्त का भी ध्यान रखना चाहिए था। बहरहाल ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्हें तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक शहीद के अंतिम संस्कार पर समय से पहुंचे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।